साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। टू लेन के हाईवे फोर लेन में और फोर लेन के हाईवे सिक्स लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेज में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्याएं भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरियाज से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के फोर लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल एसईजेड की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी।